नोएडा का श्रीकांत त्यागी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार यह प्रकरण फिर गर्मा गया है क्योंकि त्यागी समाज के लोग भारी संख्या में आज जिला मुख्यालय सूरजपुर पहुंचे और जिला मुख्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन भी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। क्या वजह है त्यागी समाज आज जो है श्रीकांत त्यागी के पक्ष में खड़ा है, खास करके उनकी पत्नी अनु त्यागी के पक्ष में। श्रीकांत त्यागी जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, आज उसकी पत्नी का आरोप है, अनु त्यागी का आरोप है कि जब पुलिस श्रीकांत त्यागी को तलाश रही थी तो पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे त्यागी समाज ने इसका विरोध किया और इसको लेकर 15 दिन पहले पंचायत भी हुई। पंचायत में पुलिस प्रशासन को समय दिया गया कि वो इसकी जांच कराए और विभागीय कार्रवाई करे। पुलिस ने भी 15 दिन का आश्वासन दिया था और उसकी मियाद कल 5 सितंबर को पूरी हो गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा एक बार त्यागी समाज फिर गर्म है, गुस्से में है, रोष में है और आज उसने जिला मुख्यालय सूरजपुर में धरना प्रदर्शन दिया है और एक ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। क्या कुछ कहा त्यागी समाज के लोगों ने, सुनते हैं। सर, समाज महासंघ अध्यक्ष, हमारा इतिहास में पहला ऐसा धरना हुआ था 21 तारीख को गेजा गांव में, जो देश को पलटने की ताकत रखता था, लेकिन त्यागी समाज, त्यागी ब्राह्मण भूमिया समाज एक सभ्य समाज है। इन्होंने समाज को देखते हुए 15 दिन का समय दिया और 15 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे ज्ञापन में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे जो इतना बड़ा पंचायत हुई, महापंचायत आसानी से हमने समाप्त करा दी, इसलिए कि हमारे देश का सही मैसेज जाए, लेकिन हमारी उस पर कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। तो हमारा समाज में इसका बड़ा रोष है। हम चाहते हैं इस बार इतिहास बदलने की क्षमता हम रखते हैं। हम कानून से मांग चाहते हैं। आज ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांग की? आज ज्ञापन यही दिया हमने, श्रीकांत जी के जो फालतू धारा लगी है, अन्नू बहन की जो जाति हुई है वो खत्म हो, और जो जिन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़े हैं वो पेड़ उखाड़ने वाले FIR हो और डॉक्टर महेश शर्मा पर FIR हो। गाली का प्रयोग हम एक्सेप्ट नहीं करते, गाली की धाराओं में उसके यहाँ कोई मुकदमा दर्ज हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, हमारा समाज इस बात को मानता है। लेकिन उसका घर तोड़ा गया, ऐसे वहाँ 20 घर और है, उन पर 2019 से नोटिस है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण? उस पर क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? उस पर क्यों भाजपा के लोग चुप हैं? आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं तो वो ये ना समझे कि ये अभी ऐसे दबा दी जाएगी। हम आज की डेट तक ना सपा के हैं, ना BJP के हैं, ना लोकदल के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं। हम हैं त्यागी ब्रह्मऋषि समाज के और हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे, वो ही होगा। तो आप थे त्यागी समाज के लोग जिन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ जो उस श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी और उनकी मां का कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके उन्हें न्याय नहीं मिला, तो एक बार फिर ये एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप ग्रेटर नोएडा और आसपास की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज ग्रेनो न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।